नहीं मिला था हमें, फेयरवेल नहीं मिला था सर। फेयरवेल नहीं मिला आपको? भी नहीं मिला? हमको भी नहीं मिला। नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, ये दोस्ती है। रोइंग कितनी, बट अंदर सच में बुरा लगेगा। हम लोग यहाँ 5 साल गुजारे हैं। तो आप हॉस्टलर हैं? हॉस्टल में क्या सबसे स्ट्रिक्ट नियम, सबसे स्ट्रिक्ट नियम क्या है? मतलब सबसे स्ट्रिक्ट तो यही है कि हम लोग को 10 बजे के पहले अंदर आ जाना है। अब 10 बजे के बाद आपको क्या काम करना है, क्या बाहर निकलना चाहती हैं? जैसा सोचा था BHU बढ़िया है वैसे? बहुत, मेरा ड्रीम था BHU आना, और मैंने बहुत कोशिश किया था। सिक्योरिटी इश्यूज होता है, लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ सेफ नहीं है BHU में, GNU से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। सेफ्टी के मामले में क्या आप रेटिंग देना चाहेंगे BHU को? 7 out of 10, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। और कितने बजे रात को लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती BHU में? 10 बजे के बाद थोड़ा लगता है अनसेफ। थोड़ी कुछ चीजें बुराइयां रहती हैं तो लोग उसी को ऊपर उठा देते हैं, पर हाँ यहाँ पे लड़कियां सेफ है। मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ। हमने कुछ गलत बातें नहीं ना की? नहीं। थैंक यू। अच्छा, अगर लड़कियाँ लेट हो जाती हैं हॉस्टल में, गेट पे लेट पहुँचती हैं 10 बजे के बाद, तो क्या होता है उनके साथ? तो जब पता है, जब BHU मेरा ड्रीम था, तो मैं आपका हर एक वीडियो देखती थी। कैसा लगा कंटेंट? बहुत अच्छा लगता था, जैसे हॉस्टल का देखना, जैसे मेरा गोमती हॉस्टल मुझे मिला है, तो आप पे एक वीडियो भी बना था गोमती का, तो मैंने वो सब भी सारा देखा था कि कैसे है। मम्मी को भी दिखाया था आपने। बढ़िया लगा, फैमिली कंटेंट है, बैठ के देखने लगा। खासकर BHU के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो बिल्कुल। दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ, छात्रों की दुनिया। छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, देश की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी, फेयरवेल चल रहा है। लोग अब यहां से निकलेंगे और देश विदेश में जाएंगे। दो बड़े भाई हैं हमारे, मिल गए, ये सीनियर हैं हमारे, इनका फेयरवेल इनको। आप लोगों को फेयरवेल मिला था कि नहीं मिला था? नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं मिला था हमें फेयरवेल। नहीं मिला था सर फेयरवेल? नहीं मिला? नहीं। आपको भी नहीं मिला? हमको भी नहीं मिला। तो ये समानता है इन तीनों में, काफी मिलते जुलते हम लोगों के ओपिनियन है ना? हाँ हाँ जी, ना हमें फ्रेशर मिला, ना फेयरवेल मिला, कुछ नहीं मिला हमें। कोई सुविधाएं नहीं मिली कॉलेज लाइफ की हमें। आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग को नहीं मिला, इसीलिए यहाँ आए हम लोग भी देखने दूसरे का फेयरवेल कैसा देखने आए हैं। विंडो सरमान पूरे कर ले दूसरों के मतलब सहारे, कुछ सरमान पूरे हो जाए हमारे भी, इसलिए हम आए यहाँ पे आए हैं। और दरअसल मैं आपको बता दूँ कि मैं भी वही देखने आया हूँ और आपको भी वही दिखाने आया हूँ। इसमें कोई कुछ गलत काम नहीं कर रहा है। हम बढ़िया से जानेंगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, पढ़ाई कैसी होती है, 5 साल 2 साल जो बिताए हैं लड़के यहाँ पे, क्या रिव्यू रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कुछ लोगों के चेहरे दिखाएंगे, वो बाद में अपने चेहरे को देख करके खूब हंसेंगे कि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ थी। देख रहे हैं लोग नाच रहे हैं, काफी उत्साहित हैं, देखिए आप, और काफी बढ़िया। गाना बदल गया लेकिन रोमांस अभी बाकी है। बहुत ही लोग कितने खुश हैं, देखिए कुछ लोग वहाँ पे टुकड़ियों में नाच रहे हैं, भाई पानी पी रहे हैं, लेकिन सब बहुत खुश हैं। वाह, ईच एंड एवरीवन इज सो हैप्पी। यहाँ से कैसा दिखता है आप देखिए, यहाँ से कितना बढ़िया दिखता है ये स्टेज पूरा। यार बहुत मेहनत लग गई ना? हाँ। काफी एनर्जी लगती है नाचने में। हाँ। कैसा फील हो रहा है स्टेज पे
पर्सनालिटी डेवलपमेंट लोग आज के जमाने में बातें कर रहे हैं, आप इतने लोगों के सामने डांस कर रही हैं, कैसा लगा? मुझे अच्छा लगता है, और स्टार्टिंग में तो मुझे स्टेज फियर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे दूर किया आपने? स्टार्टिंग मेरा बहुत बुरा होता था, फिर मैं धीरे धीरे कवर करती गई, फिर मुझे खुद इंजॉयमेंट होने लगा। मतलब प्रैक्टिस और प्रयास की जरूरत है हमेशा ना। हाँ, ये मैं पानी पीजिए, आपको इसकी भी जरूरत है अभी। और भाई आप भी? मेरा नहीं था। आपका नहीं था? आपके साथ कौन था फिर? अंदर मतलब छह लोगों में से सबसे ज्यादा ये थक गई हैं और ये पानी भी नहीं है। कैसा लगा परफॉर्मेंस? बढ़िया था। आप लोग सेम डिपार्टमेंट के हैं? सेम डिपार्टमेंट के हैं, MASC। लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर। कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं तो डांस कर रहा था बाहर खड़े होकर के साथ में। मेहनत थी, और जैसे लड़के होते हैं डांस अच्छा किया। सबसे बड़ा तो ये बताएगा किस तरह ये ने सीखा अपना हर एक एक स्टेप, एक एक चीज। और बताइए, कुछ खास नहीं, ये इन लोगों का कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था, बहुत ही रखा इन्होंने। आपने सिखाया क्या? कितने दिनों में सीख गए? 2 दिन। और ये आपकी बैचमेट है? यार बैचमेट हो तो ऐसे हो यार, यही तो बैचमेट नहीं मिले। नहीं, होते हैं, अच्छे ही होते हैं, अभी तो फिलहाल काफी सही मिले हम लोगों को। तो लास्ट ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है हम लोग सबका। सबका फर्स्ट ईयर है, सब लोग फ्रेशर्स हैं। हाँ, हम लोग दे रहे हैं, हम लोग फ्रेशर्स हैं और फेयरवेल दे रहे हैं। सीनियर छोटे से पीछे बैठे हुए हैं, प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, कोई काम नहीं करना है। BHU जैसा सोचा था, BHU बढ़िया है वैसे? बहुत, मेरा ड्रीम था BHU आना, और मैंने बहुत कोशिश किया था। मेरे तो माँ बाप का भी ड्रीम था कि लड़का BHU में पढ़े। मेरे घर में फर्स्ट BHU गर्ल मैं ही हूँ। पहला BHU का कोई प्रोडक्ट हो आप निकले? मैं हूँ, इसलिए और ज्यादा खुश है घर वाले। और फर्स्ट टाइम मैं देवरिया से यहाँ पर आई हूँ। देवरिया से? यहाँ अभी आजकल मैं इत्तेफाक से बहुत लोगों से देवरिया से टकरा रहा हूँ। देवरिया से बहुत लोग, मिस महाराज हमारे यहाँ, हमारा मित्र खुद ही देवरिया से ही है, वो चिढ़ जाता है जब मैं मिस की बातें कर रहा हूँ कि देवरिया में लोग मिस चला लेकिन बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं देवरिया में। आप लोग यहाँ ऐसे ही बढ़िया खाना बनता है? हाँ, मेरे यहाँ भी बहुत टेस्टी। मम्मी के हाथों तो आप जानते ही हो, खिलाने पिलाने को लेकर के देवरिया बहुत बहुत माहिर है। तो क्या नाम पड़ा आपका? सृष्टि चौबे। देवरिया से हैं आप? देवरिया में कहाँ से? देवरिया में उमानगर। उमानगर मित्र हमारा सोनाड़ी से है, जानती है सोनाड़ी? हाँ, जानती है देवरिया से। कैसा जगह है ये? उतना खास नहीं जानते, बट नाम सुना है बस। इतना भी काफी है मुझे उसको सुनाने के लिए। आप देखते हैं, स्टार्टिंग में जब पता है, जब BHU मेरा ड्रीम था, तो मैं आपका हर एक वीडियो देखती थी। कैसा लगा कंटेंट? बहुत अच्छा लगता था, जैसे हॉस्टल का देखना, जैसे मेरा गोमती हॉस्टल मुझे मिला है, तो आप पे एक वीडियो भी बना था गोमती का, तो मैंने वो सब भी सारा देखा था कि कैसे। मम्मी को भी दिखाया था आपने, बढ़िया लगा, फैमिली कंटेंट है बैठ के देखने लगा। हाँ सब, अभी तक हमने कुछ गलत बातें नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद, फीडबैक हमें चाहिए होता है। कमेंट आपको सब्सक्राइब भी की, और ये पार्टनर है मेरे। ये पार्टनर है आप इनके? जी, मैं डांस ये बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुरंत पानी पीने के लिए आई हूँ। अरे ये बहुत अच्छा डांसर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये और अभी भाई साहब बोल रहे थे कि इनको सिखाई, आपको भी सिखाई है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेन यही की है, कोरियोग्राफ इन्होंने ही किया है और ट्रेन भी इसी ने किया है, सारा प्लानिंग इन्हीं का ही था। अच्छा, मुझे सीखना होगा, मैं कितने दिनों में सीख जाऊंगा? आप ऐसा है कि नहीं, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपके टाइम के ऊपर है। अगर एक दिन में ही आप 1-2 घंटे दे देते हैं, आराम से सीख जाएंगे। 2 घंटे पर्याप्त। और एक अच्छी एक्सरसाइज है डांस। हाँ, ये मैंने बेहतरीन थेरेपी और एक्सरसाइज के हैं, तो वो डांस है। डांस है क्या? मैंने अपना 10 kg में मैंने डांस से ही मैंने वो किया है। अच्छा, तो कहीं डिप्लोमा कोर्सेज या फिर कोई पढ़ने लिखने वाला डांस की जरूरत? अभी नहीं। आप क्यों नहीं ज्वाइन करती ये परफॉर्मिंग आर्ट में, डांस पे जहाँ सिखाया जाता है? फर्स्ट टाइम है ना, देवरिया से फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई। मैं सजेशन दूंगा, एक डिप्लोमा निकलेगा जरूर भरिए, और प्रोफेसर है, अच्छा सिखाते हैं, पुराने प्रोफेसर है, कथक वत्थक भरतनाट्यम ऐसी सारी चीजें मुझे। हाँ, मैं जरूर कोशिश। मुझे भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। सब बढ़िया, खैरियत, आप बताइए। वो कैसा लगा आज? बस मैं तो होस्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा थका हुआ, हाल देखकर आप समझ सकते हैं कि हमने कितना इन्जॉय कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम को। एज ए होस्ट संभालना बड़ा मुश्किल है, भावनाओं से लबरेज हैं लड़के ना, पूरे उत्साह के साथ पूरा होस्ट करने में। मतलब ऐसा कौन सा दायित्व तो मिल जाता है कि थक जा रहे हैं आप होस्ट? नहीं, बात होस्ट करने पर दायित्व मिलने की नहीं है, बात यह है कि होस्ट कर रहे हैं और जो बच्चे उत्साह से लबरेज होकर पीछे नाच गा रहे हैं, उनको संभालने में
बड़ी मशक्कत लग रही है। बिल्कुल कर रहे हैं जो होस्ट कर रहे हैं, ये हमारे सीनियरों का प्रोग्राम है, हम उन्हें डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते कि आप बैठिए, है ना, चूंकि उनका आखिरी दिन है, वो पूरा इंजॉय करें, उनका हक है, इस नाते हम लोग भी मजा ले रहे हैं। आज इन्हीं का दिन है, उन्हीं पे छोड़ देते हैं, सिर्फ उन्हीं का दिन है, उन्हीं के लिए छोड़ा गया है। मेहनत करिए, बताइए मत किसी को, दिल में रखिए भाई। इतने महीने भर से तैयारी की गई, इतना मेहनत किया गया इसीलिए कि उनको एक अच्छा फेयरवेल दिया जा सके। तो आज हमारा प्रोग्राम है यहाँ आपके सामने हो रहा है सब कुछ, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वो उनके आनंद में किसी भी तरह का दखल हो, पूरा मजा ले मौज। ये जो आप हमें देख रहे हैं, हमारी हालत ये इस वजह से नहीं हुई है कि होस्टिंग में मेहनत लगी है, ये इस वजह से हुई है कि हम खुद परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पीछे जाके सीनियर में शामिल होकर हम भी डांस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है यार, अच्छा डांस किया अभी उन्होंने, हम लोग इस नाते ये हाल है कि हम पसीने से लबरेज है इस समय। स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग आज, पसीने से खिल रहे हैं, फूल आज मालवीय जी के फूल खिल रहे हैं, कुछ देर पहले फूलों पर चर्चा हुई थी। कैसा लग रहा है एकदम सटीक बताइए कि दो साल कैसा बीता? मतलब दो साल तो बहुत अच्छा बीता, और जाहिर सी बात है कि हम लोग को तो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में हमारा दो साल निकल गया, लेकिन जो उसके पहले की यादें थी ग्रेजुएशन की, उसके बाद जो अभी दो साल की पीजी की यादें थी, उसके बाद आज जो हम लोग का ये फेयरवेल पार्टी जो चल रहा है, इसमें हमारे जूनियर जैसे अमन हो गए, आशुतोष हो गए, इन लोग का बहुत हाथ आ रहा है, और आज इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, मतलब दिल खुश हो गया एकदम। दो साल की जो हम लोग की कहीं खट्टी मिट्टी जो खटास बच गई थी डिपार्टमेंट ना आने की, आज सब पूरा मजा आ गया, सबसे भाग्यशाली लग रहे हैं, सबसे भाग्यशाली लग रहे हैं आप लोग। फेयरवेल मिल रहा है, जो चरम होता है भैया वहाँ पर अभी हम लोग है, हमारा खुशी के पीक लेवल पर है एकदम भैया, हम लोग हालात करके गला बैठ गया हमारा, और इतना मजा आया, खाने पीने का भी व्यवस्था इन लोगों ने अच्छा किया था। वाओ, ये बैच ऑफ 2020 2020 पास आउट हो रहा है, 2020-22 क्या याद लेकर के जा रहा है? यादें यही है कि डिपार्टमेंट में हम लोग जैसे आते थे तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन क्लास तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास ही चली, ऑफलाइन क्लास करने का मौका बहुत कम मिला, तो डिपार्टमेंट आते थे, लाइब्रेरी खुली रहती थी, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। अच्छा। उसके बाद अपना हॉस्टल था, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहते हैं, तो सब यही सब यादें जुड़ी हुई हैं। और फिर डिपार्टमेंट में पिछले जब 2-3 महीने से ऑफलाइन क्लासेस हो गई थी, यही सब दोस्त बने, दोस्त तो हाँ काफ़ी बने हैं, हिचक क्या है आप? नहीं नहीं, दोस्त हैं, दोस्त बने हैं, काफ़ी दोस्त बने हैं। याद रहेंगे आपको हमेशा सब लोग? सब याद रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, आपसे तो हमारी मित्रता बहुत पुरानी है, मिलते रहेंगे आपसे। कितने लोग पास आउट हो रहे हैं? आप लोग भी पास आउट हो रहे हैं? लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर कैसा लग रहा है, कैसा फेयरवेल दिया जूनियरों ने? काफ़ी अच्छा, मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिलेगा भी इस ईयर, गिवन की जो कंडीशंस थे, बट काफ़ी मेहनत की है इन लोग ने, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, एंड काफ़ी इमोशनल है। ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है? हाँ। कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन BHU का कैसा है? BHU का बेस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं उसमें खाली दो हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, एक डेक्कन पुणे और एक BHU का अपना डिपार्टमेंट। अच्छा। तो टू बी अ पार्ट ऑफ एक मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट वो काफ़ी अच्छी बड़ी बात है। तो जो हम पढ़ाई दो साल की लेके जा रहे हैं, कुछ कर सकते हैं भविष्य में बढ़िया? हाँ बिल्कुल, काफ़ी स्कोप है इसमें, आप ASI के इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप नेट JRF दे सकते हैं, बहुत कुछ, अब तो अर्ली फेलोशिप का भी ऑप्शन आ गया है। फेलोशिप का ऑप्शन आ गया, आप क्या रिसर्च करने वाली हैं या? हाँ रिसर्च का सोचा है। टीचिंग लाइन में जाना है आपको? लगभग आजकल एक ट्रेंड खुल गया है टीचिंग लाइन में जाने का, लोग लेकिन पढ़ नहीं रहे उस हिसाब से, पढ़ाई हो रही है बढ़िया? पढ़ाई तो हो रही है, मेन कैंपस और BHU में एंट्रेंस भी इजी नहीं है, तो ये तो है कि जितने भी बच्चे हैं वो डिजर्विंग है यहाँ पे, मतलब जितने भी कैंपस में पूरे टोटल बैच में बच्चे हैं डिजर्विंग है, इक्वल लेवल ऑफ नॉलेज सबके पास है। ये तो देखिए इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो खुद भी कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं एकेडमिक वाइज, तो काफ़ी इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ हर टाइप के बच्चे हर जगह होते हैं। अच्छा, घर पे जो हम पढ़ाई करते हैं या फिर हॉस्टल में करते हैं, पर्सनल पढ़ाई जो भी करते हैं, क्या लगता है कि हमें जो फैकल्टी पढ़ा देती है उतने में बहुत कुछ है, उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, खुद से भी एफर्ट्स डालना पड़ते हैं। ज़्यादा डालना होता है कम डालना? मेरा जो यहाँ पे रहा है एक्सपीरियंस, उसमें हमारे काफ़ी एफिशिएंट प्रोफेसर्स रहे हैं, तो उतनी मेहनत की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। कोऑपरेटिव है प्रोफेसर यहाँ पे? ज़्यादा, यूनिवर्सिटी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। जैसे कोई एक प्रोफेसर का नाम बताइए जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, या फिर गुरु जिनको बोलते हैं बढ़िया? प्रोफेसर DK ओझा सर हैं, अर्चना मैम हैं, अर्पिता मैम हैं, सचिन सर हैं, ओएन सिंह सर हैं, AK सिंह सर हैं, मतलब लिस्ट तो एकदम चलती है, कोई एक का मैं नाम नहीं ले सकती, सबका बहुत मार्गदर्शन रहा है हम लोग के। क्या नाम है आपका? अनुष्का घोषाल। अनुष्का जी, और BHU में लड़कियां सेफ हैं बढ़िया एकदम? मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, और काफ़ी अच्छे बैचमेट्स हैं हमारे, तो
सेफ तो मैंने तो फील किया है, बट अगेन वो भी इंडिविजुअल पे काफ़ी डिपेंड करता है. टाइम तो बुरे चल रहे हैं. टाइम के ऊपर चल रहा है, मुझे समझ में नहीं. वैसे ऐसा नहीं है कि केसेस हम लोग सुनते नहीं हैं कुछ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. पर्सनल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है. आपने कोई अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ अपने एकेडमिक में नहीं सुना जिसपे लड़कियों पे अत्याचार हो रहा हो बीएचयू में? न्यूज़ आते तो हैं बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ये कहना चाह रही हूँ. और जैसी छवि बनाई जाती है बीएचयू की बाहर की, हिंदूवादी सोच है, मुस्लिम लोगों के साथ ये होता है वो होता है, गरीबों को कुचला जाता है, ब्राह्मणवाद होता है, ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं, देखिए हमारे बैच में सारे बच्चे हैं, चाहे मुस्लिम हों चाहे आप दलित की बात करें, सारे बच्चे, और हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ऐसा हम लोग में तो दिखा नहीं. मुझे नहीं दिखा. नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना शेयर करने के लिए. थैंक यू. हमने कुछ गलत बातें नहीं की. नहीं नहीं. थैंक यू. तो ये पूरा आप देख सकते हैं एक रिव्यू रहा है. क्या भाई साहब, भाई साहब का ये देखिए, ये दिखाइए ये इसको बढ़िया से, कितना बढ़िया ये बना हुआ है. जिसको भी ये बनवाना है संपर्क करें, मजाक कर रहा हूँ. ये पता है ये हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने डिजाइन किया है इसको. बड़े भाई ने डिजाइन किया है. बड़े भाई, यस सर बोलिए. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. बड़े भाई पीछे ही खड़े हैं. ही इज जेंटलमैन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन एंड एवरीथिंग. और भी आगे बात करेंगे. मैडम इसी साल पास आउट हो रही है 2020 में. क्या नाम है? किरण कंडोला. किरण कंडोला कहाँ से हैं आप? झारखंड से. झारखंड से हैं. मैं गया था अभी कुछ दिन पहले रांची. पहाड़ी मंदिर घूमी हैं आप? नहीं घूमे तो नहीं है, मतलब मैं बचपन से इधर ही रह रही हूँ मुगलसराय में. वैसे होम टाउन है झारखंड. हाँ. बट करंट इधर ही रहती हूँ. पापा रेलवे में जॉब करते हैं मुगलसराय में. अच्छा, रेलवे में जॉब है, तभी आप मुगलसराय रहती हो. वहाँ से आती क्लास करने? हाँ? वहाँ से क्लास करने आती हैं? क्लास तो यही कर रहे हो ना, इधर ही रहती हो हॉस्टल में. झारखंड से आए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या सेफ है ये कैंपस उनके लिए? हाँ, अब पहले उतना नहीं था लेकिन अब काफी सेफ है. और एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहा 2 साल? अभी ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ खास नहीं रहा, ऑफलाइन होता तो मजा आता. ग्रेजुएशन भी यहाँ पे से है तो ग्रेजुएशन में काफी मजा आया. मास्टर्स में उतना खास नहीं क्योंकि ऑनलाइन में क्लासेस काफी चले हैं तो मजा नहीं आया उतना. और बीएचयू सेफ है लड़कियों के लिए? बिल्कुल है. खास इतना भी सेफ तो नहीं कहा जाएगा. रात में थोड़ा सा. कितनी बजे रात को लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती बीएचयू में? 10 बजे के बाद थोड़ा लगता है अनसेफ. अनसेफ लगता है? हाँ. ये वही लोग होते हैं जो कैंपस में सुबह सुबह मौजूद होते हैं, 10 बजे के बाद उन्हीं से अनसेफ फील किया जा सकता है. हाँ, थोड़ा और सिक्योरिटी की जरूरत है और बस. थैंक यू. अब शेयर चीज़ शेयर करने के लिए. और फ्रेंच डिपार्टमेंट से भाई साहब हैं और इनका भी लास्ट ईयर है इस बार. इसके बाद आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद कंपनी वगैरह आने वाली है. अच्छा. तो उनके प्लेसमेंट वगैरह में बैठूंगा. अच्छा. और उसके बाद खुद से भी किसी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, खुद से भी किसी भी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके. और वहाँ पर अपना सीवी वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो ये सब एक जॉब का है कि या तो जॉब ले लें या फिर अभी 1 महीने या 1.5 महीने बाद नेट का एग्ज़ाम होने वाला है. तो अगर मुझे PhD करना होगा, इन एकेडमिक बैकग्राउंड में कर जाना होगा, फिर मैं PhD वगैरह को चूज़ करूँगा. PhD वगैरह चूज करेंगे. जिसे लोगों से पूछो सब लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग MA इसलिए करते हैं, जनरल टीचिंग लाइन के लिए ज़्यादातर लोग टारगेट करते हुए चलते हैं. MA के बाद फिर PhD भी करना होता है ना. अच्छा. तो MA उसके लिए ज़रूरी है. एक बार इनको दिखाते हैं यहाँ पे. आप भी सीनियर हैं, आप भी निकल रही हैं यहाँ से? जी. क्या नाम है आपका? हमीशा तिवारी. तिवारी जी कहाँ से हैं आप? मैं यहीं पे हूँ 5 साल से, पिछले BHU में हूँ, देवरिया से हूँ. अभी एक लोग और देवरिया से मिले हैं. पूरा ये ऐसी डिपार्टमेंट देवरिया से ही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कई जगहों से स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है देवरिया से भी हैं कुछ लोग. अच्छा. कैसा एक्सपीरियंस रहा BHU? ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ था? जी, ग्रेजुएशन भी यहीं से है और PG भी यहीं से हुआ है. फिलहाल कोरोना की वजह से तो बहुत सारे क्लासेस हम लोग के नहीं चले, फिर भी कुछ दिनों में ही बहुत हम लोग ने इंजॉय किया, अच्छा लगा. ओवरऑल BHU में अच्छी रैंकिंग है, आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हैं लोग आकर यहाँ पे पढ़ाई करें? लड़कियाँ सेफ है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियाँ सेफ हैं, बिल्कुल यहाँ एडमिशन ले सकती हैं. और होता है कि जैसे कह सकते हैं कि हर जगह थोड़ी ना थोड़ी कुछ चीज़ें बुराइयाँ रहती हैं तो लोग उसी को ऊपर उठा देते हैं. पर हाँ, यहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं. मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ, है ऐसी है. अच्छा, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं. कुछ लोगों से सेफ्टी के बारे में पूछो तो हिचकिचा जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. मेरे मैम बोला ना कि कुछ लोगों की नज़रों में नहीं है, बट मेरे नज़रों में है. ऐसा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे. तो अब
इसके बाद क्या करने का मन है, रिसर्च विसर्च करेंगी या फिर? फिलहाल रिसर्च का ही प्लान है। और नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था जी? नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई? जी नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है। क्या कुछ नेट पर क्वालिफाई किया आपने? नहीं, अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम का अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जी जी, अभी मैंने अप्लाई किया। चलिए गुड लक आपको, आप जीवन में बढ़िया करें तिवारी जी। जल्दी फेयरवेल आप लोगों का भी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, कहाँ से हैं आप? प्रॉपर यहाँ का है कि एजुकेशन या बाहर का बताना है? द स्टूडेंट लाइफ चैनल का नाम है, बीएचयू स्टूडेंट लाइफ। और हम लोग स्टूडेंट के फेयरवेल को कवर कर रहे हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा कैंपस में उनको? 5 साल मैंने यहाँ पे गुजारा है, तो कहना चाहिए लास्ट डे है। कहीं ना कहीं अभी तो ठीक है, इन्जॉय कर रहे हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट रोइंग कितनी नहीं, बट अंदर सच में बुरा लगेगा। हम लोग यहाँ 5 साल गुजारे हैं, तो हमको समोसा मिला है, आपको बर्गर मिला है, क्यों रोएंगी आप? कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं। अच्छा जानवी जी, एक बात बताइए। चांदनी एक बात बताइए, कोई भी अपने लड़की को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजता है तो सिक्योरिटी इशूज क्या उसको आते हैं, या फिर वो पढ़ करके बढ़िया से पास आउट होकर निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता? वैसे अगर कैंपस के अंदर की बात की जाए तो सिक्योरिटी के मामले में मतलब बहुत सही है, लेकिन थोड़ा बहुत लंगा के आसपास थोड़ा बहुत कुछ एलिमेंट्स कभी सम टाइम कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं गतिविधियाँ कैंपस के अंदर मेरे हिसाब से। चूँकि मैं 2017 से ख़राब हो गई जब से लड़कियों वाला धरना हुआ, 5 साल से रह रही हैं तो जानती होंगी। आ रही हैं क्या आप लोग? अरे यार, फोटो सेशन एक अलग ही है। क्या नाम है वैसे आपका? खुशबू। खुशबू, लास्ट ईयर है आपका कि फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है, कैसा लगा यहाँ पे बीएचयू में आकर के? बहुत अच्छा लगा, हम ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। क्या पूरा सब्जेक्ट कितना था, कोर में कितने सब्जेक्ट थे? कोर में 3 सब्जेक्ट्स थे, हिंदी इंग्लिश और एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, और ऑनर्स का कितना रिव्यू है? लड़कियां पढ़ती हैं, लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज होता है, लोग बोलते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है बीएचयू में, जेएनयू से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, सेफ्टी के मामले में क्या आप रेटिंग देना चाहेंगे बीएचयू को? 7 out of 10, क्योंकि मतलब जब तक हम लोग बाहर निकल सकते तब तक तो सब कुछ सिक्योर है, लेकिन अगर हम लोग रात को 10 बजे के बाद बंद हो रहे तो मतलब कुछ सिक्योरिटी इशू तो है। अच्छा, और ये लाइब्रेरी खोल दिया गया 18 घंटे के लिए, लेकिन लड़कियों का हॉस्टल नहीं खुला। आप हॉस्टलर हैं? हाँ। हॉस्टल में क्या सबसे स्ट्रिक्ट नियम क्या है? मतलब सबसे स्ट्रिक्ट तो यही है कि हम लोग को 10 बजे के पहले अंदर आ जाना है। अब 10 बजे के बाद आपको क्या काम करना है, कि आप बाहर निकलना चाहती हैं? हम कुछ करके बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर इमरजेंसी केस है, बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत खराब है तो वार्डन को कॉल जाएगा, फिर एम्बुलेंस बुलाई जाएगी, उसको बाहर ले जाया जाएगा, और किसी केस में लोग बाहर नहीं निकल सकते। अगर लड़कियाँ लेट हो जाती हैं हॉस्टल में, गेट पे लेट पहुँचती हैं 10 बजे के बाद, तो क्या होता है उनके साथ? तो फिर लेट एंट्री का एक रजिस्टर रहता है, उस पर अपना नाम, हॉस्टल और सिग्नेचर टाइम के साथ लिखना होता है कि कितने बजे आपने एंट्री ली है। हाँ, तो वो लिखना होता है। आप मैक्सिमम 11 बजे तक एंट्री ले सकते हैं लेट एंट्री, लेकिन आप अगर ये चीज़ रेगुलर करते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं 7 बजे ही बंद हो जाता है, गेट बंद होना स्टार्ट हो जाता है 7 बजे के बाद, बाहर निकलने नहीं देते, अंदर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 बजे तक हम जा सकते हैं दोनों, जा सकते हैं। डिपार्टमेंट में पढ़ाई कैसी होती है AIC में? हम हिंदी डिपार्टमेंट से हैं। हिंदी डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन AIC डिपार्टमेंट में आप क्या करें? हाँ, क्या कुछ ऐसे ही अपने दोस्तों के से इनवाइट मिला था तो यहाँ पे। स्कैम बोल रहे हैं, स्कैम हो रहा है क्या, ये कोई स्कैम है? नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, ये दोस्ती है, दोस्ती आपके है। दोस्त भी आपको यहाँ बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा हूँ। आपका फोटो सेशन शूट रहा होगा, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद खुशबू। थैंक यू। स्कैम है, जैसे कि इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट से आके यहाँ पे नाश्ता इन्होंने किया, कि यहाँ पे क्या पता किसी लड़के के यहाँ, मतलब जो यहाँ लड़का पढ़ रहा उसको नाश्ता ना मिला हो। इनको मैंने देखा 3-4 बार इन्होंने नाश्ता किया। 3-4 बार इन्होंने नाश्ता किया? हाँ, मैंने देखा। बस के लिए कुछ और लोग उधर आ रहे हैं, दिखाइए दिखाइए, उधर सब लोग काफी खुश। अरे आप लोग बात नहीं करेंगे? अरे सोच रहा था आप लोग नाम बता के चले जाते बस। जिज्ञासा नाम है जी। फर्स्ट ईयर है ये जी। कैसी पढ़ाई हो रही है बीएचयू में? काफी अच्छी है एज ऑलवेज। तो कहाँ से आई हैं आप जिज्ञासा? बीएचयू से ही है, ग्रेजुएशन यहीं से किया है, सनबीम से एजुकेशन आया है। बनारस से हैं क्या आप? दे स्कॉलर। तो चलिए जिज्ञासा, नाम से ज्यादा कुछ बताया इन्होंने, अच्छा लगा जान करके। तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारे आलोक भाई साहब आप भी आ जाइए, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ मैं। चलिए, इतने भाई लोग हमारे खड़े हैं और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पूरी जानकारी दी गई आपको, बीएचयू की सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्टल, एकेडमिक,
फेयरवेल में कैसे लोग आए हैं और क्या बीएचयू से लेकर के जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना। सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब करिए, खासकर बीएचयू के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो बिल्कुल। तो अंशु जी के चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। ये आप भाई साहब चुप हैं, मैं कह तो रहा हूँ सब्सक्राइब करें एकदम। अर्जुन नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, उनके लिए एक बार वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए भाई के चैनल को और जितना हो सके उतना व्हाट्सएप पे आप शेयर। भाई इधर दिखाइए भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वीडियो इतना अच्छा बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। okay. तो इतना तो है ही, जो लोग देखें, जो लोग वीडियो पे जाएं वाच करें वो सब्सक्राइब तो करें ही। बेंज वॉच चाहिए, बेंज वॉच। सॉरी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये जो है, ये जो हिमांशु जी का मेहनत है, ये केवल वीडियो आप नहीं कह सकते, ये एक ज्ञान है, नॉलेज है, इसके थ्रू आप नॉलेज पा रहे हैं कुछ बीएचयू से रिलेटेड। ठीक है, बस दैट्स इट। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और त्रिपाठी जी, जिज्ञासा जी बुला रही हैं भैया, आप लोग मेरे साथ आ जाएंगे, हम लोग इंड करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, आप लोग कर दीजिएगा भैया सब्सक्राइब ना। ठीक है, आइए। एकदम बढ़िया से। तो दोस्तों एकदम बढ़िया से खड़े हो जाते हैं, सावधान थोड़ा तो अच्छे आ रहे हैं हम लोग। तो हम डांस दिखाने नहीं आए थे क्या हर्ष? नमस्कार भैया। हर्ष हमारा जूनियर है और माइक को इधर ही हमेशा किए रहिए, माइक उधर चला जा रहा है बार बार, तो माइक उधर जाएगा तो फिर कैमरा मैन का क्या करना चाहिए? कैमरा मैन को चाहिए कि आप से इनका टैली बना रहे, मतलब फ्रिक्वेंसी आपकी इनकी मैच करे, मतलब आप जिधर कैमरा करें माइक करें उधर ये कैमरा भी कर दें, ये सब चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं आप? एक अच्छे कैमरा मैन के यही गुण है। एक अच्छे कैमरा मैन के गुण बता रहे हैं, ये सब गुण है कि मतलब वाइब्स मैच करनी चाहिए, वाइब्स मैच करनी चाहिए। हमसे आप मैच कर गए पूरे एकदम। भाई साहब भी फेयरवेल डिपार्टमेंट का नहीं है, बहुत लोग ऐसी डिपार्टमेंट के नहीं है, फिर भी हम भी ऐसे डिपार्टमेंट के नहीं है, लेकिन आपका